दोस्तों, इस वीडियो में 5 जानकारी दी गई है जो आपके जीवन में कभी भी काम आएगी। तो ये सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है, नहीं 10 मिनट की, नहीं 20 मिनट की, ये सिर्फ 3 मिनट की वीडियो में अपना जीवन हम लोग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बवासीर की बीमारी कैसे मिट जाती है हमारे शरीर से। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है मूली खाने से बवासीर की नामों निशान तक मिट जाती है। लेकिन मूली को कैसे खाना है? एक मूली को बीच से फाड़ देना है, उसको नमक छिड़क देना है, छिड़कने के बाद में उस में रख दें रात भर, उसको बाद में सुबह के समय में खाली पेट खाएं। सवाल नंबर 2, शरीर में तेल मालिश करने से क्या फ़ायदा हमारे शरीर में मिलती है मेरे भाई मेरे दोस्त? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है शरीर में रोज़ तेल मालिश करने से हमारी सेहत अच्छा रहता है, आंखों की रोशनी अच्छा रहता है और ठंडी के मौसम में ठंडा की प्रभाव बहुत कम होती है और ठंडा नहीं लगता है, मसल जो है वो अच्छा रहता है, इसीलिए ठंडी के मौसम में तेल मालिश शरीर में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सवाल नंबर 3, भूख से ज़्यादा अनाज खाने से क्या हमारे शरीर में नुकसान दोस्तों हो जाती है? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है सुबह के समय में बार बार लेटिंग लगती है, बाद में चलकर पेचिस की बीमारी लग जाती है, तो बड़ी नुकसान सहना पड़ता है, इसीलिए दोस्तों पेट से ज़्यादा ना खाएं, 2-3 बार खाएं लेकिन हल्का हल्का भोजन करें। दोस्तों, सवाल नंबर 4, अलुआ खाने से क्या होती है हमारे शरीर में, क्या फ़ायदा मिलता है हमारे शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे ज़रूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा शरीर अच्छा रहता है, शरीर में गर्मी रहती है तो बीमारी नहीं होती है हमारे शरीर में, इसीलिए अलुआ हो गया, उसके साथ में दही मिलाकर थोड़ा सा चीनी या शक्कर मिला लें और खाएं, अच्छा रहेगा सेहत। सवाल नंबर 5, थोड़ा फाड़ मिश्री किस मौसम में खाते रहना चाहिए कि शरीर में गर्मी ना हो? शरीर में गर्मी होने के कारण लकवा फालिस की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो इससे बचना है तो क्या काम करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्मियों के मौसम में खाते रहना चाहिए थोड़ा फाड़ मिश्री, क्योंकि वो ठंडा होता है, जब ठंडा रहेगा हमारा शरीर तो लकवा फालिस की बीमारी हमारे दाहिने अंग में कभी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को कर दें।